तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं बीड बिलिंग फाइनली चाचू को लेके। ये है मेरे चाचू, ये है सूर्यांश ठाकुर राल भाई, और कुछ इस तरह हम स्नोफॉल देखने आए हैं। और हमारे बीच हमारी चाची और पीहू आ रहे हैं, आप देख सकते हैं दोनों एंजॉय कर रहे हैं अपना खींच के। देखो दोस्तों, यहाँ पैराग्लाइडिंग की जाती है। लोग जो है यहाँ पैराग्लाइडिंग करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यहाँ जो पैराग्लाइडिंग का इवेंट होता है, देखिए किन तरह सुंदर नज़ारा, देखो कितना, देखो पैराग्लाइडिंग का नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छे। पीहू एंजॉय करती हुई, क्या सुंदर नज़ारा। ये राहुल है, ये पीहू, और पीहू की मम्मी देखो बर्फ़ के साथ क्या एंजॉय कर रही है, पूरा एंजॉय करते हुए बर्फ की शिवलिंग की बना रहे हैं। और देखो यहाँ से क्या सुंदर नज़ारा दिख रहा है, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। और ये देखिए राहुल मन्नू अब फोटो सेशन कर रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। और ये पीहू और पीहू की मम्मी जो बर्फ के साथ खेल रही हैं, पूरा एंजॉय कर रही हैं। और जो है अब पीहू जो है शिवलिंग बनाने की कोशिश कर रही है बर्फ की, एक कच्चा बर्फ है तो इससे अच्छी तरह से शिवलिंग। और देखो पीहू अब अपनी मम्मी की तरफ बर्फ से की गोले मार रही हैं। पीहू बहुत ही खुश हो रही है क्योंकि बर्फ ऐसा लग रहा है जैसे पीहू किसी जन्नत में आ गई है। देखो कितना एंजॉय कर रही है, और एंजॉय क्यों ना करे क्योंकि फर्स्ट टाइम पीहू जो है ताज़ी बर्फ़ में खेल रही है, इससे पहले कभी पीहू बर्फ। देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है, देखिए यहाँ जो है वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग हुई होती है हर साल, हर बार यहाँ वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग का इवेंट होता है। तो वो सर्दियों के टाइम होता, तो उस टाइम हम यहाँ अवेलेबल नहीं होते। और देखो कितने एंजॉय करते हैं पीहू, आज जो हम विश्व की क्या बोलते हैं उसको, बर्फ के साथ खेलते हुए और जो है बहुत एंजॉय करते हुए। ये राहुल मनु और गोलू, देखिए ये सब अपनी अपने अपने फ़ोनों में जो इसकी सीनरी है उसको खींचते हुए। और देखो पीहू तो बर्फ़ के साथ खेलती ही जा रही है, और पीहू को तो बर्फ़ में ठंड लग भी नहीं रही है कि ठंडा है या नहीं। देखो कितना एंजॉय कर रही है, देखो कितना सुंदर नज़ारा है, जैसे मानो हम जन्नत में आ गए हो। वाओ, ये देखिए पहाड़ियाँ कितनी सुंदर दिख रही है बर्फ़ से ढकी हुई, और यहाँ से कितना उत्कृष्ट नज़ारा देखने को मिल रहा है, जैसे हम स्विट्ज़रलैंड में घूम रहे हैं। तो ये भी कहीं दूसरा मिनी स्विट्ज़रलैंड ही समझिए आप। ये भी हिमाचल में उपस्थित है, हिमाचल में जोगिंदर नगर में है बीड बिलिंग। तो यहाँ वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग की हर साल होती है। ये देखिए बर्फ़ से ढकी हुई पूरी पहाड़ियाँ, लोग देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। आज धूप खिली हुई है तो आज जो है बर्फ़ का एंजॉय लेने बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और सभी अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, और हर कोई जो है इस सुंदर दृश्य को अपने 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 फ़ोनों में कैप्चर करना चाहता है। पीहू और पीहू की मम्मा देखो कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं पीहू की वजह से। देखो कितना सुंदर नज़ारा है पहाड़ियाँ। और देखिए पीहू जो है अपने राहुल भैया और मन्नू भैया के साथ खेल रही है, और देखिए बहुत एंजॉय कर रही है, बहुत ही एंजॉय कर, मस्ती कर रहे हैं। तो ये है कि ये देखिए पीहू जो बर्फ में स्केटिंग करते हुए, ये देखिए कितना एंजॉय कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही है। और पीहू जो है पहाड़ी में चढ़ती हुए पहाड़ी से वहाँ दो नीचे की ओर स्केट करेगी, तो बहुत खूब। ये देखिए पीहू जो स्लाइडिंग कर रही है, और उसको बहुत मज़ा आ रहा है, उसको ठंड भी नहीं लग रही है क्योंकि ये अभी कच्ची बर्फ़ है, ताज़ी बर्फ़ है, तो अभी ये इतनी ये नहीं है। देखिए यहाँ राहुल गोलू और पीहू जो है शिवलिंग बनाते हुए, कच्चा बर्फ़ है तो इससे अच्छी तरीके से शिवलिंग बन जाता है। तो देखिए देखिए इनके हाथों में ठंड नहीं लग रही है, और देखिए शिवलिंग की तैयारी कर रहे हैं। हर हर बोले, अब जो है लगभग ये पीहू की मम्मा है, मन्नू बॉस है, और देखो कितने अच्छे तरीके से शिवलिंग को मनाया जा रहा है। और देखो शिवलिंग राहुल भैया ने शिवलिंग बना के तैयार कर लिया पीहू के लिए।
पीहू बहुत देर से बोल रही थी कि भैया आप मेरे लिए एक शिवलिंग बनाओ, तो राहुल ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक शिवलिंग बनाता हूँ। तो राहुल ने देखो पूरी तरह शिवलिंग बना दिया और शिवलिंग बनाने में गोलू ने उसकी मदद की। दोस्तों यहाँ देखो वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग होती है, तो यहाँ लोग जो पैराग्लाइडिंग करते हुए देखो, पैराग्लाइडिंग करते हुए कितना अच्छा दृश्य लग रहा है, कितना मनमोहक दृश्य लग रहा है यहाँ से।